हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो, ये देख सकते हैं, ये वीवो वी फाइव मॉडल है। वीवो वी फाइव का डायग्राम है दोस्तों। इस पर मैं आज आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे इसको चेक करना है। जैसे अगर आपका चार्जिंग पिन खराब हो जाता है, चार्जिंग पिन, तो इसे आपको कैसे सही करना है, या बैटरी से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो हमारा है, ये साइड का, ये है हमारा प्लस साइड है दोस्तों, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। और ये है माइनस साइड, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, जैसे अगर चार्जिंग के इस कनेक्टर में प्रॉब्लम हुई, तो आपको सबसे पहले इस चार्जिंग कनेक्टर को बदली करके देखना है। अगर वो सोल्यूशन हो गया तो ठीक है, सही हो जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा, अगर जैसे आपने लगाया फिर भी प्लस साइड में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, माइनस साइड में बीप हो रहा है, तो आपको सबसे पहले प्लस साइड से एक जम्पर निकाल के आपको लेना है इस पे, या वाले पे, ये जो तीन कंपोनेंट में से सबसे छोटा कंपोनेंट है, यहाँ पे ले लेना। यहाँ से लेते 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 आपको ये प्लस साइड पे लेना है, ठीक है। यहाँ से प्लस से लेके आपको यहाँ पे लेना है, ये प्लस से, प्लस वाली जो पिन है, यहाँ से यहाँ पे लेना, ठीक है। अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम में तो हो ही जाता है, बट फिर भी नहीं हुआ, तो फिर प्लस से आपको फिर यहाँ पे लेना है, इसके ठीक बाजू वाली पिन पे, ठीक है। और अगर यहाँ से भी नहीं हुआ, पहले सबसे पहले छोटी पिन पे, छोटे वाले कंपोनेंट में, फिर दूसरे बड़े वाले, थोड़े उससे बड़े वाले कंपोनेंट में, फिर भी नहीं हुआ तो जो हम दूसरे वाले पे कंपोनेंट पे लिए थे, वहाँ से इस प्लस से लेके एक जम्पर यहाँ तक लेना है, ये दूसरे वाले कंपोनेंट पे, फिर यहाँ से एक जम्पर लेना है, ठीक, हमें आना 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 आना। फिर यहाँ पे आपको ये जो वाइट कलर का दिख रहा है, और ये वाइट दिख रहा है, यहाँ पे तीन डॉट होगा, यहाँ पे स्टिकर लगा था दोस्तों, और यहाँ पे दो डॉट होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आके इसके पहले वाले पिन पे मार देना, मतलब यहाँ से प्लस से लेके ये जो दूसरा कंपोनेंट है, जो सबसे छोटे से थोड़ा बड़ा वाला है, बीच वाला कंपोनेंट, यहाँ पे इधर लेना है, रीडिंग अप कर लेना दोस्तों, इस पे रेड प्रोप लग के, और इस पे रख के देख लेना आप, यहाँ पे आपको रीडिंग शो करेगा प्लस पे ब्लैक वाला, और रेड वाले से इस पे चेक करके देख लेना, आपको रीडिंग ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का चेक कर लेना, तो आपको पता चलेगा कि ये भी प्लस पॉइंट है और ये प्लस है, ये तो आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और जब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, मतलब जैसे अगर हमारे प्रॉब्लम, जैसे चार्जिंग हो रहा है बट बैटरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या बैटरी में पावर नहीं चढ़ रहा है, तो उससे भी ये सोल्यूशन करेंगे तो वो चीज़ हट जाती है, ठीक है। तब हमारे बैटरी में पावर जाने लग जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक किया, ठीक है, यहाँ से प्लस से लिया दूसरे कंपोनेंट पे, बीच वाले कंपोनेंट पे लिया, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे लिया, फिर भी ये सोल्यूशन नहीं होता, तो हमें यहाँ से लेके इसमें मारना, ये जो कंपोनेंट दिखता है आपको, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ पे लेना, और यहाँ से फिर इस बड़े वाले कैपेसिटर पे लेना, ठीक है। तो ये पूरा फंडा है, ठीक है। सबसे पहले आपको प्लस से लेके छोटे वाले कंपोनेंट में मारना है, जो तीन कंपोनेंट में से सबसे छोटा वो साइड का आपको यहाँ पे लेना है। अगर आपका सोल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, ठीक है। चार्जिंग ये बदल के देख लेना, अगर इससे भी होता है तो ठीक है, नहीं तो इस पे जम्पर लेना, अगर होता है तो सही है, नहीं तो फिर बीच वाले कंपोनेंट पे प्लस से निकाल के बीच वाले कंपोनेंट पे लेना है, इससे ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से एक और जम्पर लेके हमें इधर पे दो जीएनडी जैसा बना होगा, दो डॉट होगा, उसमें से एक माइनस एक प्लस होगा, तो उसमें प्लस पे हमें ले लेना है, ठीक है। तो भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो आपको यहीं से लेके यहाँ पे देखेंगे आप, ये पत्रा जो लगा है, इसके ये साइड में एक कैपेसिटर लगा होगा, इसके इस साइड में ही जस्ट यहाँ पे छोटा सा एक ब्लैक कलर का लगा होगा रजिस्टर, वहां से लेके फिर एक कैपेसिटर पे मारना, उसके ठीक सामने वाले कैपेसिटर में, ये दोनों आसपास में होगा। तो देखिए दोस्तों, ये वीवो वी फाइव के डायग्राम का पूरा वो है, ये मतलब इतने जगह पे आप चार्जिंग का सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होगा, एकदम चार्जिंग नहीं हो रहा है, या बैटरी में पावर नहीं चढ़ रहा, तो आप ये सब सोल्यूशन करके, जैसे मैंने बताया वैसे आप करेंगे, तो आप कोई भी वीवो वी फाइव के मॉडल को हल कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं, एक प्रॉप, ब्लैक प्रॉप को हमको चार्जिंग पिन के इधर रखना है, और रेड प्रोप से चेक करना है रीडिंग क्या आ रहा है। अगर रीडिंग आ रहा है
तो फिर हमें यहाँ से लेके इस छोटे वाले कंपोनेंट में जंपर ले लेना है, ठीक है। अगर इसका सोल्यूशन फिर हमें चेक करना है कि हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर से हमें रेड से एक जंपर निकालना है, ये वाला हटा देना है, फिर यहाँ से रेड से एक जंपर निकालना है, फिर ये जो बीच वाला कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट में से जो बीच वाला कंपोनेंट है वहाँ पे एक लेना है जंपर, ठीक है। अब पहले वहाँ पे भी रीडिंग चेक कर लेना है, ब्रेक ब्लैक प्रॉप को हमें चार्जिंग पिन के प्लस पे रखना है और रेड को कंपोनेंट पे रखना है, ठीक है। तो चेक करेंगे तो हमारा रीडिंग बताएगा, तो वहाँ से हमें ले लेना है इस पर, फिर ये हो जाएगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं से हमें ये पहले प्रोप पे ही बताएगा प्लस का, फिर यहाँ से हमें लेके यहाँ पे मारना है, ये आपका प्लस होगा, आप भी चेक कर लेना, ब्रेक यहाँ रख के रेड यहाँ रख के आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा ये भी प्लस का ही सिंबल है। यहाँ पे दो होगा क्योंकि यहाँ पे अभी वाइट कलर का एक स्टिकर चिपका था, इसके लिए मैं निकाल नहीं पाया, बट यहाँ पे दो वो होगा पिन इसका, मतलब दो GND होगा, उसमें से एक माइनस एक प्लस होगा, वहाँ पे प्लस वाले पे आपको ले लेना, सबसे आगे वाला ही है प्लस, तो आपको यहाँ ले लेना है। अगर इससे ये सोल्यूशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर यहाँ से लेके आपको ये एक रजिस्टर होगा ब्लैक कलर का, यहाँ पे लेना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे ले लेना आपको एक कैपेसिटर पे। इतना सोल्यूशन करने पे अगर आपकी चाहे चार्जिंग सोल्यूशन हो, चाहे बैटरी से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये सारा के सारा हल हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरी डिटेल और मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, सब्सक्राइब फटाफट कीजिए और लाइक करते रहिए मेरे वीडियो को। बाय बाय दोस्तों।